डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको दिया हुआ है यार ये, लेकिन उसमें पावर, पावर को वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो पावर था एम ए और एल की पावर बी और टी की पावर सी, तो ये अब ए बी सी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला है? तो अब देखो यार, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जब लिखोगे तो एल टी माइनस वन होता है, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी के लिए ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस वन है। ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू, जो कि सही नहीं है, मतलब ए ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का इन्होंने ए इक्वल टू वन दिया है, ठीक है, ए इक्वल टू वन कभी सही नहीं होगा अगर ये वेलोसिटी हुआ तो। इस तरह से हर एक ऑप्शन चेक करेंगे यार, है ना, थोड़ा सा लेंदी मेथड है पर ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो हर एक ऑप्शन चेक करो, ये जो है वो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फोर्थ क्यों सही है? क्योंकि जो प्रेस फोर्स है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर है, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल का स्क्वायर, दैट इज द प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बना एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। देखो अब एम एम की पावर कंपेयर करो, एम की पावर वन है तो ए की वैल्यू वन हो गई, सही है। एल की पावर माइनस वन है तो बी की वैल्यू माइनस वन हो गई, टी की पावर माइनस टू है तो सी की वैल्यू माइनस टू, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। आप बाकी सारा चेक कर सकते हो, ठीक है।